कन्याओं के साथ धोखा किया मेरे बहन और भाइयों, कन्याओं के साथ धोखा, और बुजुर्गों तीरथ यात्रा छीन ली। मैं तीरथ ले जाता था रेल से, कांग्रेस की सरकार आई, तीरथ यात्रा बंद। अब तीरथ यात्रा फिर चालू, केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीरथ ले जा रहे हैं। अरे क्या केवल कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी हवाई जहाज में बैठेंगे? कल्लू बन्ना, कल्लू मन्ना को भी हवाई जहाज में बैठने दो। ये सब योजना बंद कर दो। योजना बंद करने वाले मॉडल थे, मेरे पास समय बहुत नहीं है कि माहिर बीज के बारे में बताऊं। अब बच्चों की पढ़ाई पीएम राज स्कूल में निःशुल्क होगी और मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा तो उसकी फीस भी माता पिता नहीं चुकाएंगे। कौन चुकाएगा? मामा चुकाएगा। बच्चों के सपनों को मरने नहीं देंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हर गरीब के पास रहने का प्लाट होना चाहिए। इससे पट्टा देने का अभियान चलाया भी कितने मिले, 20,000 बन चुके। कोई को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। रहने की जमीन हरे की होगी और उन पर फिर मकान। पीएम आवास योजना में जिनके नाम नहीं है वो चिंता ना करे, हमने सीएम लाडली बहना आवास योजना बना दी। कच्चे घर वालों तो वही पक्का मकान बनाने के पैसे ये मामा और भैया देगा। सबके पक्के मकान 5 साल में बना दे। आपकी जिंदगी बदलने के लिए हम सरकार चला रहे हैं। मैं आपका भाई, मैं आपका बेटा, मैं आपसे भावुक रूप से जुड़ा हूँ और आपकी सेवा ही मेरी जिंदगी का मकसद है। कांग्रेस के लोग मुझसे बहुत परेशान है, रोज मुझे गाली देते। एक बार तो सोशल मीडिया में पोस्ट डाली कि मामा तेरा श्राद्ध हो गया। मैं जब मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर में से फिर से उठकर खड़ा हो जाऊंगा और जनता की सेवा करने आ जाऊंगा। हमारी मौत की दुआ करते हैं। लेकिन आजकल धमकियों को उतरे आए। कल मैंने देखा कांग्रेस के कुछ लोगों ने भाषण में कहा, ए बहनों बहन भैया भैया कर रही हो, खबरदार चूल्हा जलना बंद कर लेंगे, जलना बंद हो जाएगा, कांग्रेस की सरकार आ गई और बच्चे भूखे मर जाएंगे। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, मुझे कुछ भी कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात सुन लेना, अगर मेरी बहनों की तरफ उंगली उठी और बच्चों को भूखे मारने की बात कही तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, ऐसी गत करूंगा कि ना तो जी पाओगे ना मर पाओगे। ये धमकी देने की राजनीति, ये डराने की राजनीति, किसको डरा रहे हो? मेरी बहनों को जो दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप है। मैं छोड़ूंगा नहीं, साफ कह रहा हूं, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े। मेरी बहनों निश्चिंत रहना। और आज मैं ये